दिल जीत लिया बाजी आपने। Hey guys, welcome back to my another vlog। और अभी इस टाइम पर है हम मनाली में और अभी रात में हम लोग बहुत लेट पहुंचे तो इस वजह से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया और अभी अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कैसा दिखता है। तो भाई चलो मैं दिखाता हूँ, ऐसा ना विंडो से पूरा व्यू दिख जाता है बाहर का। भाई पूरा पूरा बाहर का व्यू दिखता है कि पूरा चलती हुई गाड़ियां और पीछे की साइड में जो स्नोफॉल है वो भी सब दिख जाता है। फिर ये आती है अपनी बालकनी। तो भाई क्या ठंड है ओ भाई। तो भाई सुबह का हमने जो है ब्रेकफास्ट जो है ऑर्डर किया था और भैया ब्रेकफास्ट लेकर आ चुके हैं। मैं भी ओके सर वेलकम। थैंक यू भैया। वेलकम भाई जी। देख लो भाई सुबह के ब्रेकफास्ट में जो मैंने ऑर्डर किया था जो मेरा फेवरेट पार्ट है जो मतलब मुझे बहुत लिटरली सुबह में अच्छा लगता है जिसको खाना मैं पसंद करता हूँ वो है बटर टोस्ट। और इसके नीचे मैंने मंगाया अपने लिए जो है आलू का पराठा एंड प्लेन पराठा जो है भाई रशद ने ऑर्डर किया है। और ये केटल वाली चाय ओ भाई इसको मैं अभी अभी जस्ट नाउ पीऊँगा। यस ब्रो गुड मॉर्निंग। तो इनकी भी मॉर्निंग हो चुकी है आप लोग देख सकते हैं। हेलो टू द कैमरा। हेलो। मुझे तो बहुत तेज की भूख लग रही है सुबह में ब्रेकफास्ट अगर हैवी मिल जाता है तो मजा ही आ जाता है। तो गाइज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, पता है कल रात क्या हुआ। कल रात मैं आ रहा था मतलब पूरे दिन ड्राइव की दिल्ली से मनाली तक के लिए और जब रात में मैंने विजिट किया ना माल रोड के पीछे मतलब मनाली के जो बैक साइड वाला जो पार्ट होता है ना रिवर के इस साइड वाला तो वहां पे UP 25 नंबर गाड़ी देख के एक सरदार थी मिले। मैं आप लोगों को उनसे मिलवाने वाला हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए क्योंकि जिस होटल में हमने स्टे किया वो उन्हीं का होटल है। और पता है आप लोगों को उन्होंने अपना UP 25 नंबर देखा और UP 25 नंबर देखने के बाद अपना हाथ दिया और हाथ देने के बाद कहते हैं भैया बरेली से हो। मैंने कहा हम बरेली से हैं सर। तो कहते हैं मैं भी बरेली से हूँ मुझे बरेली के बंदे बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने यहाँ होटल में मुझसे बोला कि नहीं सर आप कहीं नहीं रुकोगे यहीं रुकोगे मेरे ही होटल में क्योंकि हम लोग एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं। तो भाई हम बरेली वालों का दिल जो होता है ना काफ़ी बड़ा होता है। तो एक बात मैं आपको बताऊँ ना ये होटल वैसे जो इसके प्राइस है ना अभी जो बता रहा हूँ अभी प्राइस जो है कम से कम 3000 रुपीज़। उन्होंने पर्सनली मुझे पता है कितने का रूम दिया ओनली 1000 रुपीज़ में। पता है चेकआउट टाइम नो कितने चेकआउट टाइम आपका होटल है कभी भी आप करो। बता रहा हूँ मैं आपको मिलवाने वाला हूँ अभी कुछ ही देर में उन्हीं के पास जाता हूँ उन्हीं के साथ घूमने के लिए। मैंने उनको बोला है पर्सनली कि आप कहीं मत जाइएगा आप हमारे साथ मिलने मतलब हमारे साथ चलिए। तो अभी आप लोगों को मैं उनसे मिलवाऊंगा। पहले मैं यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है चाय पी लूँगा बटर टोस्ट खा लूँगी तो भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो भाई अभी हम हैं होटल एवरग्रीन इन मनाली में और अगर मेरे थ्रू कोई आता है तो उसको डिस्काउंट जरूर मिलेगा। मिलेगा ना भैया मेरे ट्रैवलिंग बॉस के थ्रू जो भी आता है तो उसको डिस्काउंट रहेगा कितने परसेंट डिस्काउंट देंगे आप नहीं सिचुएशन के हिसाब से जितना भी डिस्काउंट है वो जरूर मिलेगा अगर कोई ट्रैवलिंग बॉस के थ्रू आता है। ठीक है ओके। तो भाई आंटी की नाराजगी थी कि मेरी दुकान का आपने नहीं लिया तो मैंने कहा आंटी से ऊपर से मैंने देख लिया था और आपसे कुछ खरीद भी लेते तो चलिए आंटी के स्पिरिचुअल शॉप पर चलते हैं। क्या क्या मिलता है आंटी आपके पास अपने हिसाब से आंटी आप कुछ भी दे दो जो मुझे मेरे किसी काम में आ जाए मतलब मुझे किसी मेरे किसी ठंड के किसी काम में आ जाए। तो आंटी से मैंने जो है 150 की एक कैप ली जो कि आंटी ने खुद हैंडमेड से बनाई है। इसका कोई भी प्राइस नहीं है ये बेशकीमती चीज़ है क्योंकि आपको मनाली में ऐसी कोई चीज़ जल्दी नहीं मिलेगी और मुझे होटल के बाहर ही मिल चुकी है। ठीक है आंटी थैंक यू। ये कैप कैसी लग रही है मेरे ऊपर एक नंबर लग रही है। वही यहाँ से हम लोग निकाल रहे अपनी गाड़ी और चीज़ें सीधा चलते हैं ना सरदार जी के पास और सरदार जी भी हमारा शिद्दत से वेट कर रहे हैं पाजी उनके पास जाते हैं वही हमें जो है ज़्यादातर घुमाएंगे। उन्होंने कहा गाड़ी मैं चलाऊंगा अपनी UP 25 नंबर वाली। मैंने कहा ठीक है। इस टोपी के साथ तुम्हारा भाई बिल्कुल पहाड़ी लगता है लेकिन इसमें कहने जैसी कोई बात नहीं है मैं पहाड़ी लगता हूँ। कई लोग मुझसे कह चुके हैं कि भाई तुम पहाड़ी लगते हो और मुझे इन पहाड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार भी है तो मुझे इस बात का बुरा नहीं अच्छा लगता है। तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम पहाड़ी कोई दिक्कत नहीं है भाई।
तो तुम्हारा भाई बताओ कैसा लग रहा है इस टोपी के साथ? आंटी जी से तुम्हारे भाई ने 150 रुपए में ये टोपिया खरीदी। 150 रुपया लेगा? आंटी बोली हमसे 150 रुपया लेगा। हमने कहा ठीक है आंटी दे दो, ये आपकी मोहब्बत है जो आपने हमसे बोला कि आप हमारे यहाँ से भी कुछ खरीद लो। तो अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट पाजी के पास, जिन्होंने हमें कल होटल दिया था बहुत ही कम रेटों में, क्योंकि पाजी भी बरेली से थे और हम भी बरेली से हैं। मतलब पाजी भी बरेली से हैं, मतलब थे नहीं हैं। तो अभी हम पाजी के पास जा रहे हैं और डायरेक्ट आप लोगों को मिलवाते हैं अपने पाजी से। चलो गाइस, तो अभी हम सरदार जी के पास जा रहे हैं गाइस। सरदार जी ने हमें लोकेशन सेंड कर दिया। और भाई बाहर का जो मौसम है ना मनाली का, मतलब इतना पसंद है, इतना पसंद है कि भाई मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कि कितना पसंद है। मतलब यहाँ जो पहाड़ों की मोहब्बत होती है ना, वो मुझे खींच लाती है मेरे घर से। पता नहीं मुझे इन पहाड़ों से कितनी मोहब्बत है भाई, बहुत अच्छा लगता है ट्रेवल करना। देखो सरदार जी हमें यहीं कहीं मिलेंगे, ठीक है? हल्की हल्की कर लियो, हल्की और हल्की करो, हल्की करो। यही शॉप सरदार जी की यहीं कहीं आ गए। तो सरदार जी के पास फाइनली हम आ चुके हैं। तो कल मिले थे हमें ये पाजी जिन्होंने हमें होटल दिलाया था। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल, कैसे हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलिए फिर चलते हैं साथ में लेके। बिल्कुल बिल्कुल। सरदार जी ने बोला था पाजी ने कि गाड़ी मैं चलाऊंगा, गाड़ी का फेवरेट पार्ट था। वीर जी चश्मा लगा लो, आपकी वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है अगर आपके पास है तो। वीर जी कह रहे हैं बहुत अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। और पाजी की बात ही अलग है। तो पाजी क्या कहना चाहेंगे, आप भी बरेली से हैं? बरेली से कहाँ से? वीडियो मेरे बरेली वालों के लिए है। बरेली एकता नगर। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं वीर जी, एक बार बता दो ऑडियंस को, बता दो। अभी हम जा रहे हैं सोलांग वैली अटल टनल और कोक्सर स्नो पॉइंट। कोक्सर स्नो पॉइंट जा रहे हैं, सोलांग वैली अटल टनल, अटल टनल होते हुए, ठीक है? और भाई बाहर का जो व्यू है ना, काफी मजेदार व्यू है। और इस ट्रिप में जब पाजी मिल गया तो और ट्रिप अच्छी हो चुकी है। और रशद भाई हमारे पीछे बैठे हैं और हर वीडियो में भाई अब ये आपको दिखाई देंगे। तो चलो भाई ले चलते हैं आपको आगे की तरफ। तो भाई एक इन्फॉर्मेशन वाली बात ये है ना, ये लास्ट जो है लास्ट पेट्रोल पम्प है, इसके बाद 90 किलोमीटर तक आगे कोई पेट्रोल पम्प आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो अभी जो है हम गाड़ी में कराते हैं डीजल फुल और चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई अभी ये लास्ट है पॉइंट अपना, यहाँ पे इससे आगे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा 90 किलोमीटर तक। तो अभी हम और ये चारिक भाई हमारा फिर से हिला के जगह बनाते हुए। भाई बस बहुत हिल गई, निकल जाएगा ये वीडियो के लिए। तो बहुत अच्छा है वो काजा। फिर जी कुछ बायोग्राफी बताओ, आपने कितना स्ट्रगल किया यहाँ पर? भाई साहब मैं इस काम के अंदर 22 साल से कर रहा हूँ स्ट्रगल। 22 साल से वीर जी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अमृतसर में बैठ के मैं हिमाचल का कंट्रोलिंग करता था, अब पिछले 4 साल से मैं मनाली ही आके बैठ गया। बरेली जाने का मेरा, बरेली मैं आता जाता रहता हूँ, घर मेरा अपना बरेली में एकता नगर में मेरा घर है, उधर मैं आता जाता रहता हूँ। कुछ कुछ जैसे 1.5-2 महीने के बाद एक चक्कर लगाता हूँ 4-5 दिन के लिए। जब वीर जी से मैंने कल मिला ना और मेरी गाड़ी का नंबर वीर जी ने देखा, बोले UP 25, बोले वीर जी, मतलब वीर जी की चेहरे की खुशी मैं नहीं देख सकता था कल। तो वीर जी ने कल दिल से जो है मेरा स्वागत किया और बहुत रिस्पेक्ट दी। और वीर जी मुझसे बोले कि कोई भी बरेली वाला बंदा आता है तो मेरा बिहेवियर जो है सबके लिए एक जैसा ही रहता है। वीर जी अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं सोलांग वैली साइड में। सोलांग वैली जा रहे हैं, उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद हम जाएंगे अटल टनल। अटल टनल जाएंगे। अटल टनल के बाद हम जाएंगे कोक्सर। कोक्सर जाएंगे ओ भाई, कोक्सर। और कोक्सर में तो काफी मजा आने वाला है, सच बता रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने विजिट किया था कोक्सर में, तो वहाँ का वेदर जो था उस टाइम पे बहुत 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 गंदा वेदर था, और आज का वेदर बहुत बढ़िया है। मतलब जो पहाड़ों की जो मनाली की धूप होती है ना पप्पा जी, वो अलग ही होती है। अलग अलग। धूप निकली हुई है, नहीं तो ठंड लगती है बहुत ज्यादा। हाँ पप्पा जी वो तो गाड़ी में तो पता नहीं चलता, लेकिन बाहर तो बहुत बुरी हालत हो जाती है।
अभी जहाँ कोक्सर जा रहे हैं ना, देखना आप जब गाड़ी से उतरोगे वहाँ तो इतनी ठंड होगी मुझे पता है। अच्छा देखो एक ये पॉइंट भी होता है सोलांग वैली, अभी फिलहाल चल रहा है एक्टिविटीज सब चलती है यहाँ पे, ये देखिए माउंटेन बाइक है ये है सब, लेकिन जब यहाँ पे माउंटेन बाइक वगैरह सब मिल जाएगी आप लोगों को। बाजी मनाली से कितनी दूर पे पड़ता है ये? मनाली से 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर दूर आएंगे आप मनाली से, तो आपको 15 किलोमीटर दूर पे जो है वो सारे काउंटर यहाँ पे मिल जाएंगे, माउंटेन जो बाइक के है वो भी मिल जाएगी आपको। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं सोलांग में, सोलांग वैली आ चुके हैं हम लोग। तो बाजी यहीं पार्क होती है गाड़ी? यहीं गाड़ी पार्क होती है, और यहाँ पर जो एक्टिविटीज है पैराग्लाइडिंग भी है, वो रोप वे भी है जिस पर आप जा सकते हैं बिल्कुल लास्ट पे। हॉर्स राइडिंग है ठीक है, और इधर एक ऊपर टेम्पल है, लेकिन आप घोड़ों से भी जा। अच्छा पाजी मौसम ऐसा है, जो सोलांग आप मेरी साइड पे ये जो देख रहे हो ना, ये जो जाड़ों में बिल्कुल यहीं पे स्केटिंग होती है, पूरा स्केटिंग होती है यहाँ पे। लेकिन अभी आप लोगों को यकीन नहीं होगा, अभी आज जो डेट है ना वो 20 दिसंबर हो चुकी है और कोई भी स्नोफॉल यहाँ नहीं है। जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो ना अभी 20 दिसंबर तक, तो वो सब फेक है, सारी फर्जी वीडियो है, पुरानी वीडियो है, वो कोई भी स्नोफॉल अभी नहीं हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। क्यों पाजी 20 दिसंबर चल रहा है ना, 20 दिसंबर 2022 है और कोई भी स्नोफॉल नहीं हुआ है। सारी पुरानी वीडियो देखने को आप लोगों को सोशल मीडिया पे मिल रही है कि स्केटिंग करते हुए, तो आप लोग इस वजह से बिल्कुल भी ये ना सोचे कि स्नोफॉल हो चुका है यहाँ। ओ भाई तो अभी हम लोग सोलांग पे, काफी अच्छा मौसम चल रहा है यहाँ का, और पाजी से फिर एक बार मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा पाजी से मिलके, ना दिल जीत लिया पाजी आपने। थैंक यू थैंक यू। और वो अपनी जैकेट पहन रहे हैं, उनको लग रही है बहुत तेज की ठंड यहाँ पे, धूप होने के बाद भी जो ठंडी हवा चलती है ना उसका मजा ही कुछ और है। तो वीर जी आप कहाँ जा रहे हैं हम? अब हम कोक्सर जा रहे हैं वाया अटल टनल। अटल टनल तो गाइस अगला जो व्लॉग होने वाला है ना हमारा, वो होने वाला है कोक्सर का। और यार अगर मतलब चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और भाई ट्रैवलिंग बॉस को प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार गाइस।